अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, बुलढाणा के आमदार साहब ने शूटिंग करे थे गाड़ी पलटी होने की, पूरी जानकारी आपको कल की वीडियो में हमने दी। हमने ड्राइवर साहब से बात करे तो ब्रेक फेल हो गए थे उसके, इसके लिए फास्ट चढ़ी थी गाड़ी और ये दो कार वाले बच गए, मोटरसाइकिल वाले बच गए और आमदार साहब ने जो उनको निकाले, जो बुलढाणा के आमदार साहब ने, ये देखिए भाई का नाम आरिफ था, धुलिए के रहने वाले थे। तो पूरी जानकारी वीडियो में आपको हम देने वाले गाड़ी के बारे में, पूरी जानकारी हम मालक से भी बात करने वाले वीडियो में, लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। ये गाड़ी के टायर किस तरीके से फूटा था, ये देखिए गाड़ी का हाल आपको नजर आ रहा है, टायर का किस तरीके का हाल हो गया। बहुत हेल्प करे हमारे भाई ने, कल से यहीं थे ये, इन्होंने बहुत हेल्प करे, अल्लाह इनको अच्छा रखे, बहुत हेल्प करे अल्लाह, कदम कदम पे इनकी जिंदगी और हिफाजत करे। शुक्रिया भाई आपका, आपने जो भी हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खिदमत की उसके लिए शुक्रगुजार हैं आप। कोई भी काम आपका होगा तो दुनिया में बोलो, आराम से जाओ। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर पूरा देखना चाहते हैं, बहुत खास जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले, लास्ट तक बने रहे सभी तमाम ड्राइवर भाइयों के लिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए आपने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब। तो दोस्तों धुलिए की गाड़ी थी जो एक्सीडेंट हुआ, किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, बस अल्लाह का बड़ा एहसान करम हुआ। तो यहाँ आपको हम बता रहे हैं अजंता घाट में बड़े आराम से, बड़े हिसाब से आपने गाड़ी चलाना चाहिए। जब भी आप सफ़र करें तो बड़े हिसाब से आराम आपने गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस तरीके का देखिए सामने जो नजर आ रही गाड़ी आपको, तो बार बार इसी तरीके से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जितने भी गाड़ी वाले, हर ड्राइवर से मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, जो इस तरफ से चढ़ रहा है अभी, जो कन्नड़ का घाट है, कन्नड़ 40 गांव का घाट भी बने, तो इस तरफ से आराम से बड़े हिसाब से चलना चाहिए, हर गाड़ी वाले से बिल्कुल रिक्वेस्ट है। तो ये भाई से हम बात करेंगे। हेलो, क्या नाम है? अरबाज। अरबाज भाई कहाँ रहते हैं? मैं धुलिया। अच्छा, धुलिया में कौन सी है वो गाड़ी थी? ये अंसार नगर। अंसार नगर है ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारे इमरान भाई भी मिस्त्री पहुँच चुके हैं यहाँ। इमरान भाई से मैं बिल्कुल यही बोलना चाहता हूँ कि बड़े आराम से बड़े हिसाब से सफ़र करना चाहिए जब भी आप घाट में चढ़ें। जी जी, ये इमरान भाई थे हमारे अजंटे के मिस्त्री। तो दोस्तों आप ही के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं उन तक अपडेट हम देते रहते हैं। तो अजंता घाट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े हिसाब से बड़े आराम से आपने चलना चाहिए, बस मैं यही आपके बारे में सोचना चाहिए, तमाम के अपनी जान के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरफ है अजंता केवस, वर्ल्ड फेमस है, पर अजंता केवस होने के बाद में घाट छोटा बनाया हुआ है, रास्तों की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। अरे चाचा की बात करें, चाचा अस्सलाम वालेकुम। अभी हो गया ना क्लियर? क्लियर हो गया। तो क्या बोलना चाहिए ड्राइवर भाइयों के लिए, जो अजंता घाट में गाड़ी किस तरीके चलाना चाहिए? आराम से चलाना, आराम से चलाना चाहिए, क्योंकि कितने लोग मुश्किल का एक एक्सीडेंट होता है, कितने को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। रात भर से चचा यहीं है। आपका क्या नाम है? जाकिर भाई। कार रहते हैं? भाई की गाड़ी। तुम्हारे भाई की गाड़ी? तो क्या बोलना चाहिए ड्राइवर भाइयों के लिए, तुम क्या मैसेज देना चाहिए? बार बार एक्सीडेंट हो रहे अजंता घाट में, क्या आराम से चलना चाहिए? आराम से चलना चाहिए, क्योंकि नुकसान भी आपकी जान, किसी की जान का नुकसान नहीं, अल्लाह का करम हुआ। सही बात है। तो हर किसी ड्राइवर बहुत हेल्प करे हमारे भाई ने, कल से यहीं थे ये, इन्होंने बहुत हेल्प करे, अल्लाह इनको अच्छा रखे, बहुत हेल्प करे अल्लाह, कदम कदम पे इनकी जिंदगी और हिफाजत करे। तो दोस्तों ये कोई भी हमारे जितने भी एक समाज सेवा चैनल है जो एक मदद करते हैं, किसी की भी मदद करते हैं, तो मेरे हर ड्राइवर भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अजंता घाट में सफ़र करें तो अजंता घाट में आराम से गाड़ी चलाना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, सभी के बारे में आपने सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्या भाई, क्या नाम है आपका? इमरान भाई। इमरान भाई कहाँ रहते हैं? अच्छा, क्या बोलना चाहिए ड्राइवर भाइयों के लिए, जो अजंता घाट में संभाल के चलना चाहिए, अजंता घाट में धीरे चलना चाहिए। बार बार कब आए तुम? हम सुबह आए, हमारे सवेरा आए, सवेरा आए भाई किसके? तो ये भी भाई धुलिए के, अभी ये भी भाई धुलिए के। तो ये ट्रैफिक जो गाड़ी अभी क्लियर, जो घाट में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सब हमारे अजंता ने उसके ग्रुप के बच्चे, तमाम फरदापुर के मैकेनिक, अजंता के मैकेनिक और तमाम का तय दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भाई हर टाइम में मदद करते रहते हैं। अजंता घाट में जो भी एक्सीडेंट हुआ,
और जो आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो बुलाना के जो आमदार साहब है, जब एक्सीडेंट हुआ वो भी जो पीछे गाड़ी के पीछे चढ़ रहे थे, उन्होंने एक वीडियो बनाए हुए आमदार साहब ने, उन्होंने भी वहाँ हेल्प करे हुए, वो भी आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं। सो यहाँ जो बुलाने के आमदार साहब है, उन्होंने भी हेल्प करे उनको भाई को निकालने के लिए, तो उनका भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि अजंता घाट में बड़े आराम से बड़े हिसाब से चलना चाहिए आपने। ये देखिए, देखिए दोस्तों, अब क्लियर है, ट्रैफिक क्लियर है, घबराने की कोई बात नहीं है। गाड़ी साइड में उस तरफ ढाबे पे लेके चल यार, लगा दे रहा इसको, इस तरफ देखिए। तो पूरी अपडेट देते हैं दोस्तों आपको हम, हैडरा भी सिल्लोड़ का हैडरा है, इस तरफ देखिए। गाड़िया करते गड़बड़ करते, देखिए ये गड़बड़ करते, इनको बहुत जल्दी जाने की रहती है, तो इस तरह की गड़बड़ नहीं करना चाहिए। हमेशा मैं बोलना चाहता हूँ अजंता घाट में आप जब भी सफ़र कर रहे हैं, ये हमारे अजंते के है, अजंता के ऊस है यहाँ, क्या लाए आगे। ये हमारे मच्छी वाले भी आ गए, यहाँ मच्छी वाले आराम से चलना घाट में। हाँ, ये आराम आराम से लेके जाते हैं। तो हो चुका है दोस्तों क्लियर ट्रैफिक, कोई दिक्कत की बात नहीं, अजंता घाट से सफ़र कर सकते हैं बड़े आराम से, बड़े हिसाब से आपने गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। ये गाड़ी के ऊपर की कैबिन थी, ये ऊपर छोड़ दी वहाँ, आराम से आराम से ले, आराम से ले। गाड़ी माला के सभी दुलिये की गाड़ी है ये, दुलिये की गाड़ी थी ये, दुलिया जा रही है सोयाबीन लेके। तो देखिए दोस्तों, ये ढाबे पे जो वहाँ लेके जा रहे हैं गजल होटल जो है, पहले मैं स्टार्टिंग में आप जाएंगे तो गजल होटल लगी, गजल होटल पे वहाँ गाड़ी खड़े करेंगे और धुलिया से गाड़ी आएंगी इसको लेने के लिए। भाई आपका क्या नाम है? इमरान भाई, क्या बोलना चाहिए ड्राइवर भाई के इस तरीके के हादसे हो रहे हैं अजंता घाट में, उनके कैसी गाड़ी चलाना चाहिए? गाड़ी तो आराम से चलाना चाहिए, इसलिए क्या है अभी इतना नहीं चाहिए, इतना अच्छा तो लगती नहीं लोड़ी गाड़ी, इसमें अपने टायर फूटने के कारण भी हुई हुआ। भाई भी रात भर से थे हमारे साथ, तो क्या बोलना चाहिए भाई ड्राइवर, तुम भी ड्राइवर एक क्या बोलना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए ड्राइवर के लिए? ड्राइवरों ने तो संभाल के चलना चाहिए, हम गाड़ी मान लीजिए। हाँ तो नहीं, ये जो ड्राइवर मुश्किल जो अपने बॉस को मुसीबत ही है, ज़्यादा मोड़े से आ चुका है, ये देखिए हैड्रा आ चुका है, धुलिया से लेके जा रहे हैं इसको, अभी धुलिया लेके जा रहे हैं डायरेक्ट।
ये देखिए तमाम, तो ये टायर फूट गया था उसका, देखिए ये टायर पूरा फूट गया। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी वीडियो में हमने दी, जितने भी एक्सीडेंट हुए अजंता घाट के अपडेट देते रहते हैं आपको। लेके जा रहे गाड़ी को उठा के, भाई शर्मा रहे थोड़ा। तो दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, आप ही के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। ये देखिए सभी गाड़ी टोटल लॉस हो गई, जो आपको हम जानकारी दे रहे हैं। अभी जा रही है गाड़ी धुलिया लेके जा रहे हैं, धुलिया से जो हेडर आया लेके जाने के लिए, और पूरी आपको हमने अजंता न्यूज़ पे अपलोड करे, वो जाके आप देख सकते हैं पूरे वीडियो अजंता न्यूज़ पे। जा रहा भाई धुलिया, ये भाई का नंबर है आपको अगर लगा कहीं तो। तो जितनी भी हो सके दोस्तों उतनी मदद करिए जो आप सामने नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों गाड़ी यहाँ थी, देखिए ये यहाँ थी गाड़ी जो सामने नज़र आ रहा है, ये सामने का जो आपको नज़र आ रहा है टेकड़ा, यहाँ थी पहाड़ के पास गाड़ी, और यहाँ लाए आपको अभी देखिए, और धुलिया लेके जा रहे हैं, धुलिया के थे नौसो कोली में रहते हो, नंबर भी नज़र आ रहा है हेडरा का, अगर किसी को गाड़ी की ज़रूरत पड़ी तो ये है नंबर। किसी को ज़रूरत पड़े तो नंबर है ये। चली गाड़ी पूरी टोटल लॉस हो गई है। तो पूरी जानकारी दोस्तों आपको हमने दी है, धुलिया लेके जा रहे हैं। ये लग गए रोड पे, चलते दोस्तों आप, हम भी ये गाड़ी के मालिक थे। चलो अस्सलाम वालेकुम, जाओ आराम से। शुक्रिया भाई आपका, आपने जो भी हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खिदमत की उसके लिए शुक्रगुजार है आप। कोई भी काम आपका होगा तो दुनिया में बोलो, आराम से जाओ सब। हाँ माल ये गाड़ी में क्रॉसिंग करें, और ये इनकी गाड़ी थी मालक की, जाओ आराम से जाओ। तो